हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। कल केंद्र सरकार ने जो है उस सरकारी कर्मचारियों के लिए जो न्यू पेंशन की व्यवस्था थी, न्यू पेंशन स्कीम जिसको बोलते थे, उसको रद्द करके या कहें तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नई योजना की घोषणा की है जिसको यूपीएस नाम दिया है। ठीक है, ये यूपीएस जो है वो एनपीएस नाम की एक स्कीम को जो है वो रिप्लेस करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीएस, एनपीएस और जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी चर्चा आप लगातार न्यूज में देख रहे होंगे, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार मांग उठा रहे थे सरकार से कि उस पेंशन को जो है बहाल किया जाए, उसी हिसाब से पेंशन दी जाए। तो आज ये हम समझेंगे। कुछ लोगों का मिथ ये है कि जो योजना लेके आई गई है यूपीएस, ये पूरी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही है। तो ये फर्क भी समझेंगे कि आखिर इस योजनाओं में दोनों में फर्क क्या है और सरकारी कर्मचारियों को इससे क्या बेनिफिट होगा और क्या उनको इस स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके कि ये पेंशन स्कीम्स चलती कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो पेंशन स्कीम थी वो सबसे पहले एक पुरानी पेंशन स्कीम चलती थी, जब हमारे दादा के जमाने समझ लीजिए या फिर हमारे फादर जो होंगे वो जो इस एज के जो लोग रिटायर हुए होंगे, उस समय जो पेंशन स्कीम थी उसको अभी जो वर्तमान में हम ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं ओपीएस। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि जो पेंशन स्कीम है उस पेंशन स्कीम की वजह से सरकार पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। उस समय ये बताया गया था कि सरकार को हर साल अपने बजट से 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की राशि जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ पेंशन के नाम पर देनी पड़ रही है, जो कि फंड ज्यादा है। ये 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज के समय पर अगर इसको देखिएगा तो वो 3,500 जो करोड़ रुपए थे वो लगभग 1,25,00,000 करोड़ रुपए बन गए। यानी कि सरकार अगर ओल्ड पेंशन स्कीम देगी आज के समय पर तो सरकार को लगभग 1,27,000 करोड़ रुपया अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजी नहीं हो रही थी, ये कह रही थी लगातार कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू नहीं कर सकते, इससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। ये तो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की बात है, राज्य के कर्मचारियों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो टोटल है ये लगभग 3,350,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। तो बहुत भारी राशि देश को इसमें चुकानी पड़ेगी, इसलिए सरकार एग्री नहीं थी। लेकिन सरकारी कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे थे कि हमें पेंशन स्कीम में सुधार चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, इसलिए सरकार एक नई पेंशन स्कीम लेके आई। अच्छा, सबसे पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि जो नई पेंशन स्कीम हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए 2004 में, एनपीएस जो है उसमें कोई मेजर सुधार नहीं किया गया था। ठीक है, कोई भी बड़ा सुधार न तो कांग्रेस की सरकार में हुआ, न नरेंद्र मोदी जो भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री बनकर आए, न उन्होंने कोई ऐसा बड़ा सुधार इस योजना के अंतर्गत किया। इस योजना में समस्या क्या थी? इस योजना में देखिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पहले जो पेंशन स्कीम होती थी उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को या राज्य कर्मचारियों को, जिन राज्यों ने इस योजना को स्वीकार किया, उनको अपनी जो तनख्वाह थी उसके बेसिक पे का 50% मिलता था। ठीक है, यानी कि जब आप रिटायर होंगे तो आपके रिटायरमेंट के समय आपका बेसिक पे देखा जाता था, उसका 50% आपको पेंशन दे दी जाती थी, पेंशन दे दी जाती थी। उसके अलावा उसमें महंगाई भत्ते को लगातार इंक्रीज किया जाता था, यानी कि महंगाई के हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आपकी जो है पेंशन उसमें होता रहता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे खत्म करके जो है एक नई योजना लेके आया एनपीएस। अब एनपीएस में क्या हुआ था कि पेंशन जो मिलती थी सरकारी कर्मचारियों को उसमें कर्मचारियों के ही हिस्से को शामिल किया, कहा कि सरकार नहीं देगी, सरकार उसमें 1% से लेकर 4% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, बाकी जो पेंशन मिलेगी आपको वो आप ही के पैसे को जोड़ के मिलेगी। इस वजह से सरकारी कर्मचारियों का जो तनख्वाह मिलता था उनका जो बेसिक पे है वो प्लस डीए यानी कि जो महंगाई भत्ता है उसको जोड़ के उसमें से 10% का डिडक्शन किया जाता था, 10% सरकार हर महीने काटती थी और उसमें 1 से 4% सरकार जोड़ देती थी। अब इस पैसे को कर्मचारी के अनुसार, जो कर्मचारी की इच्छा हो उसके अनुसार, किसी सरकारी स्कीम में या किसी बैंक की स्कीम में या किसी शेयर बाजार की स्कीम में निवेश किया जाता था और उस निवेश के प्रतिफल के हिसाब से, यानी कि निवेश में जितना फायदा हुआ उसके हिसाब से आपकी पेंशन डिसाइड होगी। अगर मान लीजिए कि निवेश में घाटा चला गया तो फिर आपकी पेंशन में घाटा चला गया, समझ लीजिए।
तो एक स्पष्टता का अभाव था कि अगर कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, ये खुद कर्मचारी भी नहीं जानते थे। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिला हो, क्योंकि ज्यादातर जो पैसा निवेश किया जाता था वो SBI हो या फिर आपकी HDFC हो, बड़ी बैंकें जो हैं उनकी स्कीम हो या फिर आपका PFRDA की स्कीम हो, वो ऐसी बड़ी स्कीमों में निवेश किया जाता था जहां से प्रतिफल मिले ही मिले। लेकिन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस चीज का कोई स्पष्टता नहीं थी। कर्मचारी को बेचारे को पता ही नहीं चलता था कि कितना पेंशन उसको आएगा। इसीलिए उनका विरोध बहुत ज्यादा था कि हमसे आप 10% ले भी रहे हैं हर महीने, और उसके बावजूद हमें ये नहीं पता है कि हम भविष्य हमारा कैसा है, हमारा रिटायरमेंट के बाद बच्चों के लिए कितना हम कर पाएंगे इकट्ठा। कोई घर लोन पे लें तो हम कैसे EMI उसकी पे कर पाएंगे, रिटायरमेंट हो गए तो क्या, कैसे हम कितना मिलेगा, कैसे डिसाइड करें। तो ये एक बड़ा विरोध जो है था, इसकी वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही थी। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में मैंने आपको बताया कि समस्याएं ज्यादा थी, बोझ सरकार के ऊपर बढ़ रहा था, इसलिए सरकार एक नई योजना लेकर आई, जिस योजना को सरकार ने नाम दिया UPS, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। अब इस योजना के अंदर सरकार ने क्या जो है वो लेके आई है, स्कीम जो है वो लेके आई है, इसमें सरकार ने यह कहा है कि अगर आप 25 साल तक सर्विस करते हैं, 25 साल तक आपने अगर नौकरी की है, तो आपको आपका जो बेसिक पे है उसका एक साल का एवरेज निकाला जाएगा। यानी कि आप जिस दिन रिटायर हो रहे हैं उस दिन से पिछले एक साल के अंदर आपको जितनी सैलरी मिली है उसका बेसिक पे डिवाइड बाई 12 यानी 12 जितना आएगा अमाउंट, उसका आधा आपको मंथली जो है वो सैलरी उसके पेंशन के तौर पर दिया जाए। प्लस सरकार ने यह कहा कि आपको DL यानी महंगाई भत्ते के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। तो आप तो कहेंगे कि ये तो वही था जो ओल्ड पेंशन स्कीम में था। इससे थोड़ा सा अंतर ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पैसा सरकार दे रही थी, अब जो UPS सरकार लेकर आई है उसमें पैसा जो है वो जो NPS के अंदर 10% कटता था वो 10% अभी UPS के अंदर भी कटेगा। फर्क सिर्फ इतना कर दिया है कि एक श्योर्ड जो मार्केट में पैसा आपका निवेश करती थी सरकार, पता नहीं चलता था कि क्या होने जा रहा है, उसकी जगह सरकार ने यह कह दिया कि भाई आपको सीधा 50% स्कीम मिलेगी। यानी कि फिक्स कर दिया है, श्योर कर दिया है आपको कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। कर्मचारी को यह पता होगा कि मैं पेंशन के लिए 10% दे रहा हूं अपने महीने की सैलरी में से, तो मुझे इतना जो है पेंशन के तौर पर मिलेगा। एक क्लियर पिक्चर एक सरकारी कर्मचारी के सामने उसके भविष्य को आने वाले पैसे को लेकर रहेगी, ठीक है। और इसमें सरकार का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी सरकार ने बढ़ा दिया है, 14 से लेकर 18.5% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार ने किया। लेकिन कंडीशन क्या रख दी है कि आप कम से कम 25 साल तक सर्विस किए हो, आप 25 साल आपने नौकरी की हो। मान लीजिए कि आपने 25 साल नौकरी नहीं की है, 10 12 साल 15 साल 19 साल में रिटायरमेंट ले लिया, तो ये कहा है कि जितने साल बाद आप रिटायरमेंट लेंगे उसके हिसाब से आपकी पेंशन में कटौती की जाएगी। लेकिन कटौती इतनी भी नहीं की जाएगी कि पेंशन की जो राशि है वो आपकी 10,000 रुपये से जो है वो कम हो जाए, ठीक है। यानी 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये सरकार की गारंटी है, ठीक है। और सरकार ने इसमें क्या कहा है कि सरकार का जो योगदान है वो 14 से लेकर 18% 18.5% तक रहेगा। एक बात और सरकार ने कही है कि अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जो पेंशन दी जाती थी जनरली, उस पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था, तो उसको लेकर सरकार ने यहाँ स्पष्ट नियम बनाया है कि उसको जो पेंशन मिलती थी पहले 50% मिलती थी OPS के अंदर, अभी 60% किया गया है कि 60% सैलरी उसके जो है परिवार में जो सदस्य होंगे, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वाइफ को मिल जाती है, हस्बैंड को मिल जाती है सैलरी जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, माँ बाप तक ही मिलती है, बच्चों को सैलरी जो है पेंशन नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सरकार ने एक बात कही। और एक बात इसमें जो जोड़ी गई है सबसे अच्छी, वो ये कि NPS में कोई रिव्यू हुआ ही नहीं था NPS का। NPS में बस एक 2019 में जब मोदी सरकार थी तो इन्होंने NPS में जो 10% सरकार कर्मचारियों का काट रही थी उसको बढ़ा के और 14% कर दिया, और उल्टा बढ़ा दिया केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो उसको हटा के इन्होंने कहा है कि हर 3 साल में हम उसकी समीक्षा करेंगे, हर 3 साल में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या आउटपुट है, क्या समस्याएं कर्मचारियों की हैं। तो ये एक अच्छी बात इस स्कीम में जोड़ी गई है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो ये NPS सिस्टम जो लोग लेके आए थे उसका विरोध
पिछले कई सालों से तेजी से बढ़ गया, क्योंकि राजनीति में एक हिस्सा बन गए। कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रही थी, हालांकि जब कांग्रेस 10 साल थी तब उन्होंने इसको रिमूव न करके नई स्कीम नहीं लेके आए। कई राज्य है, हिमाचल है, राजस्थान है, और भी कई राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके आए अपने राज्य में। उनको बहुत ज्यादा बोझ उठाना पड़ा, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उनको इधर उधर से पैसे का इंतजाम करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उस समस्या से निकलने के लिए और देश के पूंजीगत विकास को भी आगे ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कीम को बनाया है। और ये कहा गया है कि इस स्कीम को कई कंट्रीज की स्कीम में सबको ओवरव्यू करके देखा गया है। टीवी सोमनाथन जो हमारे वित्त सचिव थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने इस स्कीम को तैयार कराया है और कई जो पार्टीज हैं उनको, यानी कि लगभग 10-12 मान लीजिए कंट्रीज को, ओवरऑल सिस्टम्स को देख के जो है, जो बड़े देशों में है उनको देख कर इस सिस्टम को बनाया गया है। तो अभी उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो इसको लेके खुश होंगे या फिर उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी कि किस तरीके से उनकी पेंशन को जो है वो श्योर किया गया है। ठीक है, बाकी जो पैसा एनपीएस के अंदर कटता था वो पैसा आपको आज भी देना है। बस एक बड़ा बदलाव क्या है कि गारंटी है कि पेंशन आपकी कितनी होगी, आपको पता रहेगा कि पेंशन आपकी कितनी होगी। ये एक बड़ा मेजर चेंज जो है वो सरकार ने किया है। हालांकि सरकार के लिए भी एक राहत बड़ा कदम है, क्योंकि लगातार विरोध इसका हो रहा था। दिल्ली में भी एक बार पता है आपको इलेक्शन से पहले जंतर मंतर पर सरकारी कर्मचारी आए, और विपक्ष भी लगातार इसको राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। तो सरकार के लिए चुनौती थी, सरकार ने उचित कदम उठाते हुए इस पर एक जो है बड़ा फैसला लिया है और इसको नई स्कीम के तौर पर देश के सामने जो है वो रखा है। ठीक है, तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि कितने परसेंट इसको लोग स्वीकार करते हैं, कौन कौन से राज्य इसको स्वीकार करेंगे, कौन से राज्य जो है इसको नहीं स्वीकार करेंगे। राज्यों के लिए एक विकल्प के तौर पर रहेगी, राज्य अगर चाहें तो एनपीएस में रह सकते हैं, राज्य अगर चाहें तो यूपीएस में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस है कि एनपीएस के लिए सभी लोगों में नाराजगी है, चाहे वो किसी भी राज्य के कर्मचारी हों, तो मोस्ट प्रॉबली सभी राज्य यूपीएस के साथ जुड़ना जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई और अपडेट इस स्कीम को लेकर आता है तो फिर आपको एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।